हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वी ऑल नोज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड टू डू अदर फंक्शंस ऑफ देयर बॉडीज़। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो फूड की उनको रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और अदर जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उन सबको करने के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर के अंदर। एंड जो ये फूड है, ये फूड क्या करता है, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितने भी जो काम होते हैं, वर्क होते हैं उनको करने के लिए। द फूड प्रोवाइड द ऑर्गेनिजम्स एनर्जी फॉर वर्क एंड मटेरियल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी काम करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो फूड है वो हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब जो न्यूट्रिशन है तो वो एनिमल्स में किस तरीके से होता है, उस चीज़ को समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। हमें को पता है कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक प्रकार का होता है। एंड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि हमें पता है केवल प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक। और इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन दे सो द एनिमल्स गेट रेडीमेड फूड, इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड को गेन करते हैं, उसको लेते हैं। और जितने भी जो फूड हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं, मे बी ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल, वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं या जो एनिमल्स लेते हैं वो दोनों तरीके का हो सकता है। दिस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजाइक। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, जो हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, होलोजाइक। होलोजाइक मीन्स, होलोजाइक न्यूट्रिएंट्स मीन्स ईट्स ए सॉलिड फूड विच मे बी ए प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। यानी ऐसा फूड जो कि सॉलिड फूड के फॉर्म में होता है, जो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं होलोजाइक भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर अपन होलोजाइक न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको बॉडी के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है या अंदर शरीर के अंदर लिया जाता है, और फिर उसके बाद जो इंजेस्टेड फूड होता है उसे डाइजेस्ट किया जाता है और बॉडी पार्ट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, जितने भी अलग अलग सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हेंस द होलोजाइक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिजम्स टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू इट्स बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज इंजेशन एंड द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान जो फूड है, यानी जो खाना है या भोजन है, वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और जो रिपेयर है, हमारे को कोई चोट या वो लग जाती है उसको रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ प्रोसेसिंग फूड, अब जो प्रोक्योरिंग फूड, जो फूड है, हम जिस फूड को लेते हैं वो किस टाइप से लेते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हैं, चाहे वो काऊ है, पैरामीशियम है, बटरफ्लाइज है, बर्ड्स है, एलिफेंट्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से इस फूड को हमारी बॉडी के अंदर, अपनी अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल आर मॉडिफाइड टू एनेबल देम टू कैच देयर प्रे और प्रोसीजर देयर फूड। यानी हर एनिमल का अपना एक अलग तरीका होता है इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने का। जैसे अपन काउज की बात करें, काउज, हॉर्स एंड अदर सच टाइप ऑफ एनिमल्स पिक अप फूड डायरेक्टली इन देयर माउथ। तो जितने भी जो
एनिमल्स होते हैं काउ हॉर्स टाइप के, वो क्या करते हैं जो भी फूड होता है उनको डायरेक्टली माउथ से लेते हैं। इसकी जगह हम स्मॉल सेलुलर एनिमल पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम क्या करता है, हेयर लाइक सीलिया जो उनके अंदर होते हैं उसके थ्रू फूड को वो क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। पैरामीशियम हैज़ हेयर लाइक सीलिया, इट पुशेज फूड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सीलिया इन थ्रेड लाइक हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है सीलिया, इसके थ्रू पैरामीशियम इस फूड को अपने अंदर लेता है। बटरफ्लाइज आपने देखी है वो क्या करती हैं, सक करती हैं, उनके जो सकर्स होते हैं उन सकर्स के थ्रू वो फूलों का नेक्टर अंदर लेती। बटरफ्लाई यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर, फूलों के नेक्टर को चूसने के काम में लेती है। ह्यूमन बींग्स, हम हमारे बारे में तो आपको पता ही है, हम क्या करते हैं अपने हाथों से अपना फूड लेते हैं और कहाँ लगते हैं, मुंह के अंदर। ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। बर्ड्स, बर्ड्स में आपको पता है क्या होता है, चोंच, बीक, तो सो बर्ड्स हैव बीक टू ईट द वेरियस टाइप ऑफ फूड। बर्ड्स अपना फूड खाने के लिए क्या यूज़ करती हैं, बीक्स। देन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ट्रंक टू ब्रेक ऑफ लीव्स फ्रॉम ऑल ट्रीज। एलिफेंट्स अपनी लंबी सूंड का प्रयोग करते हैं पत्तियों को तोड़ने के लिए पेड़ों से और अपना भोजन मुंह के अंदर रखने के लिए। देन जिराफ, जिराफ हैव लॉन्ग नेक टू ब्रेक ऑफ लीव्स फ्रॉम ऑल ट्रीज। तो जो जिराफ होते हैं वो लंबे पेड़ों से पत्तियों को तोड़ने के लिए अपनी लंबी गर्दन का प्रयोग करते हैं। सो ये तो हुआ कि किस तरह से हम अपना भोजन मुंह के अंदर रखते हैं, तो और उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस जो है ये किस तरह से होता है, तो इसके मेन फाइव प्रोसेसेस होते हैं। वॉट एवर मे बी द फूड इट मस्ट अंडरगो द फॉलोइंग फाइव प्रोसेस। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन, एट लास्ट एडजेशन। इन सभी पॉइंट्स को अपन अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द इंजेशन। इंजेशन इज़ द प्रोसेस विच फूड इज़ टेकन बाय द ऑर्गेनिज़म्स, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी जो भी ऑर्गेनिज़म है, कोई भी एनिमल है, वो उस फूड को अपने शरीर के अंदर लेता है, यह प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। इन डिफरेंट एनिमल्स ये हर एक के अंदर अलग अलग टाइप का होता है। जैसे अपन बात करें सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा है, जो सिंगल या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, अमीबा फूड्स इज टेकन इन फ्रॉम एनी प्लेस बाय मीन्स ऑफ फॉल्स फूड। ये फॉल्स फूड जिसे हम सुडोपोडियम कहते हैं, इन सुडोपोडियम के थ्रू ये अपना फूड क्या करता है, अंदर लेता है एंड सुडोपोडियम एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स, और इन सुडोपोडियम की सहायता से अमीबा अपना भोजन अंदर ले लेता है। इन हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये बहुकोशिकी जानवर है जो क्या करता है अपने फूड को सीलिया या टेंटिकल्स की हेल्प से अपने फूड को अंदर लेता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द फूड इज़ इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ये दो धागे जैसी रचनाएं दिखाई दे रही है, इनको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स, और यहाँ से ये फूड को पकड़ के अंदर ले लेता है। कॉकरोचेस तो आपने देखे ही हैं, उनके डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं जिससे कि वो सकिंग, कैचिंग और कटिंग का काम करते हैं। कॉकरोचेस हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग, कैचिंग एंड कटिंग द फूड, वो फूड को इस तरह से काटने कचरने का काम करते हैं। देन स्पाइडर, स्पाइडर को तो आपने सबने अपने घरों के अंदर देखा होगा, वो क्या करती है, जाला बनाती है, वेव्स बनाती है। द स्पाइडर वेव्स ए वेब टू कैच इट्स फूड, और जिस जाले के अंदर, जिस वेब के अंदर क्या होते हैं, मच्छर फंस जाते हैं और वो अपना फूड ले लेते हैं। देन फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच इट्स फूड्स। मेंढक को भी आपने देखा होगा, उसकी लंबी सी जीभ बाहर आती है और वो मच्छर या अपने फूड को पकड़ के अंदर, माउथ के अंदर ले लेता है। बर्ड्स को, मैमल्स को भी आपने देखा है कि उनके अंदर भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं फूड को पकड़ने के लिए, लेने के लिए। इन आवर केस, अगर हम अपनी बात करें तो हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, हाथ से अपना भोजन पकड़ते हैं और मुंह के अंदर लेते हैं इस भोजन को शरीर के अंदर लेने के लिए। इंजेशन अकर्स ऑन द माउथ एंड वी यूज़ आवर हैंड्स एंड फॉर दिस पर्पज़, यानी इंजेशन के लिए हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड प्रोजेक्शन आता है डाइजेशन।
Digestion is the process for breaking down of complex food molecules into simpler molecules. यानी digestion ऐसा process है जिसमें जो हमने food लिया है वो उसका क्या होता है, breakdown होता है, तोड़ा जाता है complex food molecules को simple molecules के अंदर तोड़ा जाता है. किसकी help से? Enzymes की help से. Chemicals निकलते हैं हमारी body के अंदर या हर animals के अंदर different types के chemicals निकलते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देते हैं. और इन केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स. एंजाइम्स उस फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड पार्टिकल्स को इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. हार्ड पार्टिकल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. सबसे पहले अब अपन बात करें अगर अमीबा की, तो अमीबा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो करते कहाँ से सिक्रेट होते हैं, क्योंकि अमीबा कैसा है, सिंगल सेलुलर है ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी सेल के थ्रू ही एंजाइम सिक्रेट होते हैं. द अमीबा द एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द सेल एंड साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड. जो फूड अंदर ले लिया गया होता है उसको साइटोप्लाज्म के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है. अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर जो सेल्स होती हैं वो जो बॉडी उसकी होती है उसकी बॉडी के अंदर की सेल्स क्या करती है, एंजाइम्स को सिक्रीट करती है. द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी सिक्रीट एंजाइम्स और फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है. अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें तो लोअर एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है. और जो बड़े एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फ्रॉग और मैन, उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एसिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उन फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी पार्ट्स के थ्रू. द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन वॉल. यानी इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू उस जो फूड मॉलिक्यूल्स है, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन. एंड सेकेंड इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स द एब्जॉर्ब फूड इज देन इन Incorporated into the living cell. यानी जो absorbed food है वो living cells के अंदर incorporated किया जाता है and used by the body for its growth. वहाँ पर भेज दिया जाता है और वहाँ से इसको क्या किया जाता है, growth के लिए ले लिया जाता है. यह process क्या कहलाता है, assimilation. अब amoeba की बात करें तो amoeba के अंदर जो digested food है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद अमीबा अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी साइज में बढ़ती करने के लिए क्या करता है, उसका एसिमिलेशन करता है, उसका यूज़ करता है. द अमीबा द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म एंड एसिमिलेशन द अमीबा ग्रोथ एंड साइज. अब अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा द एब्जॉर्ब बाय द डिफ्यूजन. यानी जो फूड वो डाइजेस्ट करता है उस डाइजेस्टेड फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसके थ्रू, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू द कैविटी वॉल. जो उसकी कैविटी की वॉल होती है उसके थ्रू वो डिफ्यूज कर लेता है उस डाइजेस्टेड फूड को और फिर एसिमिलेशन करता है टू द सेल्स इन द बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी की जो सेल्स होती है उसके थ्रू ही उसके अंदर एसिमिलेशन होता है. देन हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर की बात करें हम तो इन हायर ऑर्गेनिजम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जितने भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. देन इजेशन. इजेशन यानी बाहर निकलना. डाइजेस्टेड फूड हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, तो आफ्टर एसिमिलेशन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं इजेशन. दिस इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. द अनडाइजेस्टेड फूड इज हायर एनिमल्स इन एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस और फिशेज. मतलब एनस के थ्रू और फिशेज के फॉर्म में हायर एनिमल्स शरीर से बाहर निकाल देते हैं. अगर हम अमीबा की बात करें तो ये क्या करता है, थ्रू द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के थ्रू वेस्ट पार्ट को ये शरीर से बाहर निकाल देता है.
In Hydra, the residual materials are discarded through the single body cavity. क्योंकि अमीबा के अंदर हाइड्रा के अंदर कोई अलग से बॉडी पार्ट्स नहीं होते, तो वो क्या करता है, अपनी जो सिंगल बॉडी कैविटी है उसी के थ्रू उसने बॉडी को इंजेक्ट किया था और इसी के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकाल देता है. अब इसके बाद अब हम इसके बाद अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर.